बिलासपुर पुलिस ने एक गाड़ी को बिना कागजात के बस अड्डे के समीप पकड़ा है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली कि चंडीगढ़ से मनाली की ओर जा रही एक गाड़ी जोर जोर से हुटर बजा रही थी और कानून का उल्लंघन कर रही थी। बिलासपुर पहुंचने पर जब पुलिस ने गाड़ी को रोका तो वह कागजात नहीं दिखा पाया। गाड़ी के दोनों शीशों पर दिल्ली पुलिस का लोगो लगाया हुआ था, जिसे पुलिस ने मौके पर से हटवाया। बिलासपुर पुलिस को गाड़ी के कोई भी कागजात नहीं दिखाए गए। जब ऑनलाइन गाड़ी के बारे में पता किया गया तो गाड़ी जुलाई 2018 में इसके सभी कागजात खत्म हो गए थे। पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है और आगामी कार्यवाही की जा रही है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।